इस yes. के चैनल में आपका स्वागत है हम मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे सो क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे क्या है टू को सर्कल्स आर सेंटर्ड एट ओ माइनस ओ का क्या दिया हुआ है माइनस फोर और थ्री ठीक है ये वो है एक सर्कल बना हुआ है जिसका अकॉर्डेंट क्या है माइनस फोर और थ्री यहाँ पर दो सर्कल है एक ये और दूसरा आउटर एक इनर है एक आउटर है दोनों का सेंटर क्या कॉमन है ओ है ठीक है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनर सर्कल टू दैट ऑफ द आउटर सर्कल इज वन बाई नाइन ठीक है एरिया ऑफ इनर सर्कल बाय एरिया ऑफ आउटर सर्कल का रेशियो क्या दिया हुआ वन बाय नाइन दिया हुआ ठीक है पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल ठीक है पॉइंट ए कहाँ है इसके बाउंड्री पे है इनर सर्कल के बाउंड्री पे point B और पॉइंट बी कहाँ है आउटर सर्कल के बाउंड्री पे ठीक है तो दोनों के दिया हुआ है द कोड द कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट बी आर थ्री फाइव उसका कॉर्डिशन दिया हुआ थ्री फाइव बीच ऑफ द फ्लोइंग द कॉर्डिशन ऑफ ए हमको ए का निकालना है ठीक है दोस्तों जिसमें हमको सेंटर का दिया हुआ माइनस फोर बाई थ्री और ये ठीक है तो हमें पता है ये सेक्शन फार्मूला से निकलेगा लेकिन सेक्शन फार्मूला से तो निकलेगा लेकिन मुझे एम और एन एम वन एम टू पता करना होगा ठीक है एम वन और एम टू ठीक है एम वन एम टू क्या दिया हुआ नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला से इसको नहीं निकाल पाए हमको एम वन एम टू फाइंड करना है वो कहाँ से आएगा दोस्तों ओ इससे आएगा एरिया ऑफ इनर सर्कल बाय एरिया ऑफ आउटर सर्कल जो रेशियो है उससे हम लोग निकालने वाले हैं ठीक है तो एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे आर क्या है ओ ए स्मॉल सर्कल के इनर सर्कल के लिए आर क्या ओ ए है और आउटर सर्कल के लिए आर क्या है ओ बी ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर पाई इन ओ ए ठीक है इसका रेडियस स्क्वायर बाईर वन बाई नाइन क्लियर है वन बाई नाइन हो गया तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास ओ बाई का स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया ठीक है तो स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ओज ओ बाई ओ क्या आ जाएगा ठीक है इसका रूट हो जाएगा इसका रूट से निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओ बी इज इक्वल टू वन बाई थ्री तो ओ बी इज इक्वल टू क्या आया इसको नोट करें ठीक है हमारा ओ बी जो है जो रेडियस आउटर सर्कल का वो क्या है थ्री टाइम्स है इनर सर, इनर रेडियस का ठीक है तो अभी हमको क्या निकला वो वहीं पर चल गया यानी एम वन पर चल गया एम वन कितना हो गया वन लेकिन एम टू क्या पता नहीं है तो एम टू क्या है ए बी है तो हम लोग स्मॉल रेडियस को लार्ज रेडियस से मैनेज करेंगे तो निकल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हम ए बी ऑल्ड क्या लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओ बी ओ ए लिख सकता है ए बी इज इक्वल टू ओ बी फुल बाय ओ ए ठीक है तो वो भी कितना ओ बी ऑर्ड क्या लिख सकते हैं थ्री ओ ए तो ये क्या आया टू ओ ए ठीक है तो ये भी क्या आया टू ए यानी एम वन एम टू पता लग गया हमें क्या है एम वन एस टू वन एस टू टू एम वन तो पता था दोस्तों वन था और ये भी टू आया तो ये हो गया टू ठीक है तो एम वन एम टू का रेशियो पता लग गया कितना है ठीक है अब अब हम सेक्शन फार्मूला से आसानी से, से निकाल सकते हैं ठीक है चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं तो so, x हो गया एक्स वेल्टी क्या एम वन एम टू एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाय एम वन प्लस एम टू ये सेक्शन फॉर्मूला है दोस्तों ठीक है तो एम ओन यहाँ पे कितना है एम ओ निकाल रहा है वन एस टू टू है ठीक है वन एस टू टू ठीक है ये हमने निकाला है एम वन टू वन एक्स टू टू तो यहाँ पुट करना है एम वन कितना वन हो गया एक्स टू कितना हो गया एक्स टू ये दोस्तों ये एक्स टू हो गया ये वाई टू हो गया और ये एक्स वन वाई वन ठीक है एक्स टू हो गया आपका थ्री प्लस एम टू हो गया टू एक्स वन हो गया माइनस बाई वन प्लस टू ठीक है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा फोर माइनस एट सॉरी थ्री वन जो थ्री फोर टू जो एट माइनस एट बाई थ्री तो माइनस फाइव बाई एट तो हमें एक्स पर चल गया दोस्तों ठीक है इसी सिमिलरली हम क्या करेंगे इसका वाई भी निकालेंगे एक अकॉर्डिनेंट वाई तो इसको भी सेक्शन से निकालेंगे वाई इज इक्वल टू सेम लिखेंगे हम लोग एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू ये सेक्शन फॉर्मूला है एम वन हमारा वन दिया हुआ है वाई टू कितना दिया हुआ है दोस्तों फाइव प्लस एम टू क्या है एम टू टू दिया हुआ है और वाई वन थ्री एम वन वन एम टू टू ठीक है इसको सॉल्व करें फाइव वन जो फाइव और थ्री टू जो सिक्स यानी एलेवन बाई थ्री ठीक है तो हमारा एक्स कितना है माइनस फाइव बाई एट और वहीकल टू एलेवन बाई थ्री ये हमें सेक्शन फ्लो से निकाल लिया है ऑप्शन देखिए माइनस फाइव बाई थ्री और एलेवन बाई थ्री ठीक है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों ठीक है सबसे पहले इसमें क्या करिए हम लोग एरिया का यूज़ करके हम जो जिसका रेशियो दिया था उससे क्या निकालें दोनों का रेडियस फाइंड आउट कर लिए फिर वहाँ से हम एम वन एम टू निकाल दिए एम वन एम टू का रेशियो वो, वो रेशियो फाइंड आउट हो गया तो आसानी से हम सेक्सर फॉर्मुला से सॉल्व कर लिए ठीक है दोस्तों थैंक यू